जी बिल्कुल, आज सिंध का सकाफत दिन जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। तादाद देखें, बड़ी तादाद में जो है लोग सिंधी टोपी अजरक पहन के यहाँ कराची के मरकजी तकरीब में आए हुए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फनकार जो सिंध के आमिर शाह मौजूद है। हम उनसे जाते हैं क्या कहेंगे, आज सिंध का ईद का दिन है, एक तरह से सकाफत का दिन है, तो ईद का दिन है, क्या कहेंगे? आज वाकई ईद का दिन है और ये आप आवाम का समंदर देख रहे होंगे जो ये बताने आया है पूरी दुनिया को कि हम सिंधी जो हैं वो प्यार करने वाली कौम है। हमारा मैसेज भी यही है कि प्यार दें और प्यार लें और इस दिन को पूरी दुनिया में इसी तरीके से सेलिब्रेट करें। और मेरी दुआएं सब सिंध वालों के साथ है, सारे पाकिस्तान वालों के साथ है। आपने परफॉर्मेंस कर ली यहाँ का? नहीं, मेरी परफॉर्मेंस हो गई। मतलब हम मिस करेंगे, देखेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे आमिर शाह की परफॉर्मेंस हम जरूर देखेंगे। तादाद देखें, बड़ी तादाद मौजूद है। एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद है, ये खुद जो है वो हमारे दोस्त भी अच्छे, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे आज? बहुत मज़ा आ रहा है और आज एकता आप देख रहे हैं, पूरा सिंध पूरा पाकिस्तान यहाँ पे और टोपी अजरक के साथ लोग आए हुए। और इस बार जो सैलाब ने तबाही मचाई है, हम लोग चाहते हैं कि इस बार हम कोई कमिटमेंट कर लें, एजुकेशन को प्रमोट करें और इस त्यौहार को भरपूर तरीके से मनाया जाए और कोई ना कोई वादा कराए। आप भी लोग इंजॉय करें, थैंक यू सो मच। यहाँ इंजॉय कर रहे हैं लोग सकाफत इनके हिसाब से। आप अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ पे भी बड़ी तादाद लोगों के मौजूद है। अगर यहाँ पे आप देखें, बड़ी तादाद में खवातीन है जो इस वक्त पीछे जो है रक्स कर रही है, मुख्तलिफ जो गाने हैं उस पर। अगर यहाँ पे आप अगर देखें तो बड़ी तादाद यहाँ पे शरीक है जो इसमें कल्चर डे का सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस वक्त मरकजी जो तकरीब है उसमें और बड़ी तादाद में लोग इस वक्त भी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यह पैगाम दिया जा रहा है कि आज मोहब्बत का दिन है। जी